नमस्कार, चलिए सुनते हैं कहानी पानी की प्यास। गाड़ी अभी स्टेशन पर रुकी ही थी कि चार पांच सामान बेचने वाले डिब्बे में घुसकर आवाज देने लगे। मोहिनी जी को प्यास लग रही थी, तभी एक 8-10 साल का लड़का पानी की बोतल बेचता दिखाई दिया। मोहिनी जी ने उसे बुलाया, कितने की बोतल है? वो बोला, 20 रुपए की है, एकदम ठंडी है। मोहिनी जी ने बोतल हाथ में ली और देखा बोतल एकदम ठंडी थी, लेकिन तभी उनका ध्यान बोतल पर लगे लेबल पर गया। उसे देखकर उन्होंने कहा, ये तो नकली है, बिस्लरी की जगह बिस्लोरी बनाकर बेच रहा है, अभी तेरी कंप्लेंट करती हूँ। वो लड़का हंसकर बोला, यहाँ यही ज्यादा चलती है, असली बिस्लरी चाहिए तो सामने स्टॉल पर मिलेगी। मोहिनी जी ने बोतल वापस कर दी। लड़का आगे जाने लगा। उन्हें प्यास बहुत जोर से लग रही थी। उन्होंने उस लड़के से कहा, सुन, मैं तुझे 10 रुपए दूंगी, मुझे उस स्टॉल से पानी ला कर दे दे। लड़का कहने लगा, हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी दीजिए, गाड़ी चलने वाली है। मोहिनी जी अपने हैंड बैग में से पैसे निकालने लगी, तभी उन्हें ध्यान आया, जल्दी गाड़ी पकड़ने के चक्कर में सारे कुले पैसे तो कुली को दे दिए थे, अब तो 500 का नोट था। मोहिनी जी ने बोला, चल ला, 30 रुपए काट कर पैसे वापस कर। ये सुनकर लड़का हंसता हुआ बोला, खुले कहाँ से आएंगे, सुबह से पहली ट्रेन आई है, अभी तो 100 के भी छुट्टे नहीं है, आप जल्दी दीजिए, मैं अभी दुकान वाले से लेकर आया। अब मोहिनी जी को समझ आ रहा था कि यह 500 का नोट लेकर भाग जाएगा, लेकिन प्यास इतनी लग रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने उस लड़के को 500 रुपए पकड़ा दिए। आसपास बैठी सारी सवारी उन्हें इस तरह देख रही थी जैसे उन्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। खिड़की के शीशे से वे उसे भागकर जाता हुआ देख रही थी। कुछ ही देर में गाड़ी सीटी देने लगी। अब मोहिनी जी की चिंता बढ़ने लगी। तभी पास बैठे एक सज्जन बोल पड़े, अरे मैडम, आपको क्या लगता है वो आपके 500 रुपए लेकर वापस आएगा? उसका तो खर्चा पानी निकल गया आज का। अब किया भी क्या जा सकता था। तभी गाड़ी चल दी। मोहिनी जी ने इधर उधर शीशे से झांक कर देखा, एसी कोच से आवाज भी बाहर नहीं जा सकती थी। कुछ ही देर में गाड़ी अपनी पूरी स्पीड पकड़ चुकी थी। एक तो 500 रुपए जाने का दुख, ऊपर से प्यास भी लग रही थी, फिर अपनी बेवकूफी पर गुस्सा आने लगा। वही बोतल ले लेती, लेकिन फिर भी तो 500 के खुले नहीं होते, क्या पता बहाने बना रहा हो, आज के बाद घर से ही पानी लेकर चला करूंगी, मन ही मन में मोहिनी बड़बड़ाए जा रही थी। इधर प्यास भी बहुत लग रही थी। आधे घंटे बाद वो लड़का हांफता हुआ उनकी बर्थ के पास आया। उसके एक हाथ में बाल्टी में बोतलें थी और दूसरे हाथ में छुट्टे 480 रुपए। मोहिनी जी ने उसे डांटते हुए कहा, कहाँ रह गया था, इतनी देर से प्यास लग रही है, ला बोतल दे। लड़के ने चुपचाप बोतल पकड़ा दी। दो घूंट पानी पीकर उन्होंने लड़के को देखा, वो पैसे पकड़ा रहा था। मोहिनी जी ने पैसे गिने, पूरे 480 रुपए थे। उन्होंने कहा, ये ले 10 रुपए। वो लड़का बोला, रहने दीजिए, मैं उस स्टॉल वाले से कमीशन ले लूंगा। मोहिनी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपनी प्यास के चक्कर में उसे डांट रही थी और वो पूरे पैसे वापस करने आया था। तभी उनका ध्यान उसके घुटने की तरफ गया, उसमें से खून बह रहा था और वहां से पैंट भी फट गई थी। मोहिनी जी ने पूछा, अरे ये खून कैसे निकल रहा है, कहीं गिर गया था तू? वो लड़का बोला, हाँ, वो गाड़ी चल पड़ी थी, उसे पकड़ने के चक्कर में मैं फिसल गया, फिर भी भागकर गाड़ी पकड़ ही ली, बहुत देर से आपकी सीट ढूंढ रहा हूँ, आपका कोच और बर्थ नंबर भी नहीं देखा था। मोहिनी जी अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदा हुई। हाँ, सच ही तो कह रहा है, उसे कैसे पता मेरा कोच और बर्थ कौन सा है? उन्होंने कहा, अगर कहीं चोट लग जाती या गाड़ी के नीचे आ जाता तो? लड़का बोला, कुछ नहीं होता, हमारा तो रोज का काम है। फिर उसने पानी की बाल्टी जिसमें बोतलें थी पानी निकालकर घाव पर लगा दिया। मोहिनी जी बोल पड़ी,
अरे ये क्या कर रहा है, गंदा पानी लगा रहा है, रुक मैं बैंडेज देती हूँ। उन्होंने अपने सामान में से ढूंढकर बैंडेज निकाल कर उसके घुटने पर लगाया। फिर उन्हें ध्यान आया कि अगला स्टेशन तो 100 किलोमीटर पर है। तब उन्होंने लड़के से पूछा, अब तू उतरेगा कैसे? लड़का बोला, अगले स्टेशन पर उतरकर सामने से दूसरी ट्रेन पकड़ लूंगा, बस आज घर पहुंचने में 12 बज जाएंगे। मोहिनी जी ने पूछा, वैसे कितने बजे घर पहुंच जाता है? लड़का बोला, 7 बजे तक पहुंच जाता हूं, आज माँ से बहुत डांट पड़ेगी। मोहिनी जी बोली, तू चाहता तो ये पैसे लेकर भाग सकता था, भागा क्यों नहीं? वो लड़का बोला, मेरी माँ ने कहा है ग्राहक भगवान होते हैं, उनसे कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मोहिनी जी ने उसे बहुत कोशिश की पैसे देने की, लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं लिया और आवाज लगाता हुआ आगे बढ़ गया। मोहिनी जी सोच रही थी, मैं अपनी प्यास नहीं रोक पाई और ये लड़का केवल 1 बोतल पानी देने के लिए अपने घर 12 बजे पहुंचेगा। अपनी जान पर खेलकर ये छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और हम लोग हमेशा इन्हें एक चोर की दृष्टि से देखते हैं। यही सब सोचकर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आज एक छोटा सा बच्चा जिंदगी का कितना बड़ा सबक सिखा गया। हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ में दूसरों को हर दिन धोखा देते रहते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी पानी की प्यास।